और हरियाणा के चंडीगढ़, जहां पर चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, परिवहन मंत्री के साथ रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई है। रोडवेज कर्मियों के साथ विचार विमर्श जारी है। परिवहन विभाग के ACS SN राय भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। 7 और 8 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी के बाद अब ये बैठक, परिवहन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है और रोडवेज कर्मियों के साथ ये बैठक की जा रही है और साथ ही साथ उनकी तमाम जो परेशानियां हैं, जो शिकायतें हैं, उनको सुना जा रहा है। परिवहन विभाग के ACS SN रॉय भी मौजूद हैं इस बैठक में और खुद परिवहन मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल 7 और 8 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद परिवहन व्यवस्था किसी तरह की ना बिगड़े, प्रदेश के अंदर परिवहन मंत्री ने संज्ञान लिया है और रोडवेज कर्मियों के साथ बैठक बुलाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। पवन, अपडेट्स क्या कुछ है इस बैठक को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की सरकार के साथ बातचीत जो है वो जारी है। इस वक्त जो है वो दूसरे दौर की बातचीत जो है वो हो रही है, जिसमें परिवहन मंत्री मौजूद है। परिवहन मंत्री के साथ जो है वो एक यूनियन की बातचीत हो रही है, लेकिन जो रोडवेज कर्मचारी यूनियन है उनमें भी हड़ताल के ऐलान को लेकर गुटबाजी और फूट देखने को मिली है। एक यूनियन है जो हड़ताल का विरोध कर रही है, वो कह रही है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हमारा कोई संबंध नहीं है। हरियाणा रोडवेज चालक संघ ने ये कहा है कि हम पूरे तरीके से राष्ट्रव्यापी हड़ताल से किनारा करते हैं और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। तो जिस तरीके की बातचीत हो रही है, सरकार जो है वो बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की आपसी जो फूट है वो भी एक बड़ी वजह है कि इस बार हड़ताल में कहीं ना कहीं रोडवेज कर्मचारी यूनियनों को जो है वो अलग अलग देखा जा सकता है। और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें, जो उस वक्त की एक और बड़ी खबर हरियाणा से ही सामने आ रही है, जहां पर चंडीगढ़ में रोडवेज कर्मचारी यूनियनों में फूट की बात। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर मतभेद है रोडवेज कर्मियों में आपस में ही। 7 और 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है, लेकिन मतभेद सामने आ रहे हैं। रोडवेज चालक संघ ने हड़ताल का विरोध किया है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहा है रोडवेज कर्मियों ने। ट्रांसपोर्ट महानिदेशक से चालक संघ की बातचीत भी हुई है। 12 में से 9 मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दे दिया गया है। वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल का समर्थन किया है, तो 2 गुटों में बढ़ती है हड़ताल। मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। दोनों संगठनों की परिवहन मंत्री से बातचीत हुई है। बड़ी खबर उस वक्त की, बैठक के बाद कर्मचारी नेता हरि नारायण शर्मा का बयान सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह की आप भी बता रहे थे कि 2 गुटों में बटे हुए हैं ये प्रदर्शनकारी, तो क्या कुछ तस्वीरें अब सामने आने वाली हैं? क्या इनमें एकता होगी और ये प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी जो है ये परवान चढ़ेगा या फिर नहीं? देखिए, रोडवेज कर्मचारी यूनियनें जो है वो कहीं ना कहीं अलग थलग देखने को मिल रही है। जो कुछ यूनियनें हैं वो हड़ताल को लेकर पूरे तरीके से आमदा है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किलोमीटर स्कीम का विरोध करते हैं और हड़ताल जो है वो 7 जनवरी को होगी और चक्का जाम किया जाएगा, और साथ ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो 8 तारीख की है उसको उनका समर्थन रहेगा और उस दिन भी रोडवेज का चक्का जाम होगा। लेकिन कुछ यूनियनें जो है वो इस हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन नहीं कर रही है और इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हिस्सा नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं दो पार्ट कहें या यूं कहें कि 2 अलग अलग धड़ों में रोडवेज कर्मचारी यूनियनें बंटी हुई है, जिसका असर हड़ताल के ऊपर देखने को मिल सकता है। यानी यूनियनें एक साथ नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हड़ताल जो है वो ये माना जा सकता है कि उस तरीके से कामयाब हड़ताल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूनियनें जब एक नहीं होगी तो जाहिर है कि यूनियनें अलग अलग धड़ों में बंटी होने के चलते रोडवेज की जो बसें हैं वो सड़कों के ऊपर नजर भी आ सकती है। बिल्कुल, 2 धड़ों में अगर बटी हैं यूनियनें तो जाहिर साफ तौर पर हड़ताल जो है वो उस परवान नहीं चढ़ेगी जैसी उम्मीदें थी। लेकिन पवन, जिस तरह से परिवहन मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और मान मनोवल का दौर जो है वो जारी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बैठक जो है, ये जो प्रदर्शन होने वाला है 7 और 8 तारीख को, ये क्या आने वाले समय में रद्द भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है वो
कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बातचीत का दौर जारी है। बातचीत के बाद जो है वो कौन सी यूनियनें हड़ताल पर जाने पर अड़िग रहती है, कौन सी यूनियनें हड़ताल से पीछे हटती है, ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बातचीत के जरिए सरकार जरूर ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हड़ताल ना हो, सभी यूनियनों को मनाया जाए, सभी यूनियनों से बातचीत करके हड़ताल को टाला जाए। लेकिन देखना होगा कि ये बातचीत जो होगी उसके बाद कर्मचारी यूनियनों का क्या रुख रहेगा। और बिल्कुल तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो संगठनों की परिवहन मंत्री से बातचीत हो रही है। बैठक के बाद कर्मचारी नेता हरि नारायण शर्मा का बयान सामने आया है।